दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं। BSP ने आज अयोध्या में अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी। BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन में पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग सम्मेलन में शामिल हुए। खबरों के मुताबिक सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए यूपी की योगी सरकार पर जबरदस्त वार किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब यूपी में BJP की सरकार की ओर से कराए गए ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का वक्त आ गया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण समाज को BSP को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि अगर ब्राह्मण साथ आए तो हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार के काल में ही भव्य राम मंदिर बनेगा। BSP अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया था। आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने से यूपी की विपक्षी पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल मायावती 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं और उनका इरादा है कि 2007 की तरह ही ब्राह्मणों और दलितों को साथ लाकर यूपी विधानसभा के अंदर पहुंचा जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यूपी में फिलहाल 2007 वाले हालात नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण समाज हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के सपने का मोह त्याग कर BSP की ओर लौटेगा। हमने पिछले दिनों BSP के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश से भी यही सवाल पूछा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 2007 में जो समीकरण थे जिसमें ब्राह्मण साथ में आए और फिर चमत्कार एक तरह का हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस समय यूपी में कोई उस तरह का विकल्प नहीं था और उस समय लोगों ने, सवर्णों ने खासकर बहन जी के साथ में जाना सही समझा। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का पूरा सपना देखता है और उनके सामने योगी जैसा एक हिंदुत्व का चेहरा बना हुआ है। आपको लगता है कि वो अभी योगी और हिंदू राज, राम राज इस सपने को छोड़कर वो बहुजन जो सत्ता है, जो बहन जी की सरकार है, उसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? जी, जैसे कि ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि जैसे कि आप, हम लोग स्पेशली ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप मजबूरी की भी बात करें तो मजबूरी 2007 से ज़्यादा बड़ी इस समय है, क्योंकि ब्राह्मण महासभा ने अभी घोषित किया है कि इस योगी सरकार में बेशक, हालांकि इन लोगों ने 700 ब्राह्मणों की हत्या दिखाई है, लेकिन ब्राह्मण महासभा का आंकड़ा उन्होंने पब्लिश किया है कि इस सरकार में जब हमने कूद कूद करके भाजपा की सरकार बनाई, 6000 ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई है। और ब्राह्मण समाज इस बात को गले से उतरने वाली बात उनके लिए नहीं है, क्योंकि चुन चुन के मारा जा रहा है। अगर देखा जाए, दो लोगों के हाथ में देश दिया जा रहा है, दो लोग खरीदने वाले हैं, अडानी और अंबानी, और बेचने वाले भी ये मोदी और अमित शाह हैं। दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। ये हम दो हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस बात को ब्राह्मण अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्षत्रिय समाज के कंधे पे बंदूक रख करके ये चारों लोग ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। हम क्षत्रिय के खिलाफ भी हम लोग कोई क्षत्रिय के खिलाफ भी नहीं है। हम योगी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपनी हिस्ट्री को उठा करके देखिए, ये संघर्ष जो है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये चार लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के सामने अगर मजबूरी 2007 में थी, हालांकि हम मजबूरी को नहीं मानते हैं, अगर आप कह रहे हो तो इस समय जो हत्याएं इस समय भाजपा सरकार में हुई हैं, वो सपा सरकार में भी इतनी हत्याएं ब्राह्मणों की नहीं हुई थी। तो इसलिए ब्राह्मण समाज वहाँ से हट रहा है और सपा सरकार में वो जा नहीं सकता, क्योंकि गुंडागर्दी जो है वो सेम उसी प्रकार की सपा में होती है। तो इसलिए बसपा उसके लिए उसके मन की चीज़ है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने आज भी कहा है कि ब्राह्मण समाज इसमें साथ देता सरकार बनाने में 2007 की तरह, तो हम पूर्व की तरह उसका पूरा सम्मान रखेंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूपी में इस बार भी 2007 की तरह ही यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज BSP के साथ आएगा, या फिर राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र के सपने के साथ योगी की तरफ चला जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।